अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिज़ाइनिंग चैनल। इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम बना रहे हैं खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, इसका जो ऊपर से मैं जो शोल्डर रखूँगी वो नॉर्मली तो 7 इंच तक है, लेकिन इसका मैं इसकी 8 इंच 1 इंच तक मैं इसका एक्स्ट्रा रखूँगी। इसकी जो सिलाई में कपड़ा वगैरह आएगा उसके लिए 1 इंच तक मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। ये इसकी मैंने कलियाँ बनानी है इसलिए ये देखिए मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूँगी इसका। और यहाँ से भी मैं 8 इंच तक ही रखूँगी, 7 इंच। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ से लाइन ड्रॉ की है इसकी। अब हम इसका हिप्स तक इसका नाप लेंगे, मैं 13 इंच तक इसकी हिप्स का नाप लूँगी। अब ऊपर शोल्डर से मैं जो 8 इंच रखा था 2 इंच की एक्स्ट्रा कटिंग करूँगी, और नीचे से भी हमारी फिटिंग 8 इंच है तो नीचे से भी मैं 3 इंच तक मैं एक्स्ट्रा निशान लगाऊँगी। ये हम कटिंग में करेंगे, इस तरह से हम इसकी कटिंग में शेप देंगे, इसकी कलियाँ बनाएंगे हम। सेंटर से हमें इस तरह से कट कर लेना है, नीचे से भी हम फुल नीचे तक हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इसके जो सेंटर वाला एरिया है ये इस तरह से हम पहले निशान लगाएंगे स्केल की मदद से, फिर हम इससे कटिंग कर लेंगे। ये देखें हमने इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से, ये देखिए ये हमारा पार्ट अलग हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से पलटाकर इसके साथ अटैच करेंगे। ये हमारी फ्रॉक है, हम इससे फ्रॉक बनाएंगे। इस तरह से मैंने इसके साथ इसे बिल्कुल इसको अटैच कर लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा होगा वो हम कटिंग करके निकाल देंगे जहाँ से एक्स्ट्रा होगा। यहाँ से भी ऊपर से भी देखें इसको मैंने बिल्कुल इस तरह से बराबर करके मैंने इसको इस तरह से अटैच कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल मैंने इसको यहाँ से हम इस तरह से मैंने इसको बराबर कर लिया है। अब हम यहाँ से इसके शोल्डर का नाप फिर से लेंगे। यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। 8 इंच पे मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसकी जो सिलाइयाँ होंगी वो भी हम इसका आधा आधा इंच अंदर लेंगे, तो इसलिए यहाँ शोल्डर से मैंने 7 इंच का निशान लगाया है। अब हम इसकी यहाँ से शोल्डर की कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें मैं इसका शोल्डर की यहाँ से कटिंग करूँगी। हम इसे स्टिच करने के बाद देखेंगे, अगर हमारा थोड़ा सा 19-20 कोई होगी तो वो हम दोबारा से इसको सेट कर लेंगे। हमारा शोल्डर हम कंप्लीट हमें 7 इंच ही चाहिए। अब यहाँ से फिटिंग जो मैंने कटिंग की थी 8 इंच तक हमें इसकी फ़िटिंग चाहिए, तो मैं यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फिटिंग का कपड़ा रख के मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे मैं कट कर लूँगी इस तरह से। ये देखें मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। ये हमारी फ्रॉक की शेप थी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डिज़ाइन बनाना। ये मेरा मैंने सेंटर वाला पैनल लिया हुआ है, फ्रंट का सेंटर वाला पैनल लिया है। इस पर मैं जो ट्राउज़र का कपड़ा है उसके साथ मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करूँगी इस तरह से। ये देखें मैंने इसकी जिस तरह से हम पेटी बनाते हैं ये मैं इसके ऊपर बस इसके ऊपर ही इस तरह से ये कपड़ा रख के अटैच करूँगी। ये फिटिंग वाले एरिया से मैंने स्टार्ट किया है, फिटिंग वाले एरिया से मैं इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करूँगी। यहाँ से हम इसको हम इस तरह से लगाएंगे। नीचे से मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है ऑलरेडी, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके कर लेना है। ये देखें इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं इसे स्टिच कर लूँगी। आपने ख्याल से सफाई के साथ स्टिच करना है, इसकी सिलाइयाँ बिल्कुल किनारे पे लगनी चाहिए। ये देखिए मेरा ये ऊपर से इस तरह से स्टिच हो चुका है। अब मैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 2x2 इंच की मैंने ये पट्टियाँ टुकड़ियाँ बनाई हुई हैं। अब हम इसके पीसेस बनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको किस तरह से बनाएंगे इसकी डिज़ाइनिंग। ये जो हमारे साइड वाला जो पीस था वो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। तकरीबन ये देखें मैं 2-3 इंच तक छोड़ के वो मैं पीसेस लगाऊंगी, जिसे हम समोसा की तरह भी कह सकते हैं, समोसा डिज़ाइन भी कह सकते हैं।
या फिर ये देखिए मैं 3 इंच तक छोड़ के ये इस तरह से मैं इसकी शेप ये वाली शेप रखूँगी इस तरह से। ये देखें ये इसका हम ये देखें इसके इस तरह से हम कोने से कोना मिलाएंगे इसका इस तरह से। ये देखें बिल्कुल हमने बराबर कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ से हमने इस तरह से इसके ऊपर रख के सिलाई बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से रखना है। रख के फिर जस्ट हमने यहाँ से इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आपने कोने से कोना मिला के इस तरह से बनाना है। आप इसकी पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल एक ही साइज़ में लेंगे तो फिर आप बनाने में आपको इजी होगा। नाप करके कटिंग करें इसकी पट्टियाँ। तो ये देखें बस मैंने सिलाई के ऊपर सिलाई जहाँ से बस सिलाई लगानी है बिल्कुल उसके ऊपर मैं इस तरह से ये देखें इस तरह से इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाई। ये देखें बाहर ये अंदर से कुछ इस तरह से नज़र आएंगी इस तरह से। ये देखें फिर हम इन्हें प्रेस करके दूसरी साइड पे फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ये सारी हम पट्टियाँ इस तरह से लगाएंगे। ये जहाँ तक मैंने डिज़ाइनिंग के लिए जो कपड़ा लगाया है बस हम वहीं तक ही इसका लगाएंगे। मैं इसका वहीं तक लगाऊंगी। आप अगर चाहें तो इसको नीचे तक फुल लगा सकते हैं लेकिन मैं बस इसकी यहाँ तक ही लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हमने बराबर में पट्टी के ऊपर पट्टी रख के इस तरह से लगानी है। ये मैं आपको एक साइड की मैं इस तरह से लगा के बता रही हूँ, दूसरी साइड की मैं आप लगा ड्रेस को तैयार करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि दूसरी साइड की किस तरह से लग रही है, ये देखने में इसकी लुक कैसी है। बिल्कुल हमने इसके बराबर रख के इस तरह से स्टिच करनी है इस तरह से। ये देखें ये हमारी लास्ट पीस है। ये देखिए फ्रेंड्स ये लगने के बाद ये दोनों साइड्स का लुक कुछ इस तरह से है। इसके ऊपर मैंने गोल नेक बनाया है। ये देखिए इस तरह से हम इसे प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह से हमारी नज़र आएगी। अब हम इसकी स्लीव्स को अटैच करेंगे। इसकी स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसकी फिटिंग सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी फ्रॉक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। इसके नीचे फिर मैं इस तरह से देखें इसके दामन पर मैं इस तरह से लैस लगा रही हूँ। ये मैंने जो इसकी जो मैं लैस लगा रही हूँ ये देखिए ये मैं इसके उल्टी साइड पे मैंने लैस को रखा है और सीधी लैस को मैंने सीधी साइड पे सीधी रखा है और जो ड्रेस है जो कपड़ा है वो मैंने उल्टी साइड पे रखा हुआ है। उल्टी साइड पे रख के मैं इस तरह से ये सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए ये सीधी होने के बाद इसकी जो नीचे से भी ये नीट होगी और ऊपर से भी ये सफाई के साथ ही लग जाएगी। इससे ये होता है कि नीचे से भी हमारी जो कपड़ा होता है वो हमारा नीचे से भी नीट हो जाता है अच्छे से। नीचे से उसकी सिलाइयाँ वगैरह नज़र नहीं आती हैं, बस जस्ट एक ही सिलाई नज़र आती है। बिल्कुल सफाई के साथ हमारी लैस इस तरह से अटैच हो जाती है। ये देखें मेरी फ्रॉक, ये देखें फ्रॉक मैंने उल्टी रखी हुई है इस तरह से। जो लैस है वो मैंने सीधी रखी हुई है इस तरह से करके मैं लैस लगा रही हूँ। ये मैं सारे इसके चारों तरफ में इसके इसी तरह से मैं लैस लगाऊँगी। आपने आराम आराम से लगानी है, बिल्कुल सफाई के साथ आराम आराम से लैस लगाएं। देखिए मैं सारी इसी तरह से इसके साथ अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ इसको सीधी करके। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सारी मैंने लगा ली है, सारी मैंने पूरी फ्रॉक के दामन पे मैंने इसी तरह से लैस लगा ली है। ये देखिए अब मैं इसको सीधा करूँगी तो ये देखिए आप इसको सीधा करने के बाद ये देखिए मैंने सारी लैस लगाई हुई है। अब हम इसको सीधा करेंगे ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से मैं इसको सीधा करूँगी तो ये नीचे से भी बिल्कुल नीट हो जाएगी और ऊपर से भी ये बिल्कुल सफाई के साथ ही नज़र आएगी। इसके अब हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देंगे। देखा आपने नीचे से कितनी नीट है, इसकी नीचे से सिर्फ एक ही सिलाई आएगी, बस एक ही सिलाई में ये अटैच हो जाएगी और हमारी नीचे से भी बहुत ज़्यादा नीट होगी। इसके हम किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए मैं इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब ये देखिए मैंने इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है इस तरह से, आराम आराम से, ताकि हमारी सिलाई जो है वो इससे नीचे भी ना उतरे, इसलिए आराम आराम से सिलाई लगाएं बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से। ये देखें इस तरह से लैस बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ज्वाइन होती है। ये देखिए हमारी लैस कितने अच्छे के साथ ज्वाइन हो रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। ये देखें इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारी लैस लग के कम्प्लीट हो चुकी है। इसके धागे वगैरह आप सफाई के साथ कटिंग कर दें ताकि इसके धागे वगैरह जो नज़र ना आए। इसके धागे वगैरह कटिंग होने से ही हमारी लैस में और हमारे कपड़े में नीटनेस आती है। ये देखिए नीचे से कितनी ज़्यादा नीट है, एक ही सिलाई में हमारी ये अटैच हो चुकी है। ये देखिए ऊपर से भी ये कितनी सफाई के साथ लगी है और नीचे से भी हमारी लैस बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ हमारे कपड़े के साथ अटैच हो चुकी है। कोई भी धागा वगैरह हो तो आप उसे कटिंग कर दें, इससे हमारे ड्रेस में ज़्यादा नीटनेस आती है। ओके फ्रेंड्स आपको मैं फ़्रॉक का फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए ये हमारी फ़्रॉक का फाइनल लुक है। इसके सेंटर में मैंने बेल्ट भी लगाया है और देखें इसके नीचे इस तरह से लैस लगाई है। इसके स्लीव्स पे भी मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है तो मैं स्लीव्स का आपको डिज़ाइन नहीं दिखा सकी। ये देखिए इसकी स्लीव्स पे मैंने जो डिज़ाइन बनाया है। इसके नेक पे मैं तुरपाई करूँगी, अभी मैं फ़िलहाल मैंने ब्लैक कलर से इसकी सिलाई लगाई हुई है, तुरपाई करना भी बाकी है। ये देखिए ये मैंने इसकी स्लीव्स बनाई हैं इस तरह से। इसकी स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसके सेंटर में चाहें तो कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रंट में है तो ये इसी तरह से अच्छी लगेगी। मैंने इसलिए इसके फ्रंट में ये डिज़ाइन बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। ये देखिए ये इसके जो हमने नेक बनाया था उसका ये डिज़ाइन इस तरह से है, इसके फ्रंट का इस तरह से। इसके फ्रंट पर मैंने ये इस तरह से पीसेस लगाए थे। ओके फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़।